What are you doing? सारे guest हमें देख रहे हैं. Don't make a scene. Mom, Dada, Babu, US जा रहे हैं out of the blue. मेरी engagement यहाँ बीच पे छोड़ के. आपको नहीं लगता matter थोड़ा suspicious है? हाँ? As per the clause, Mahajan Group of Companies, मेरी chairmanship में इंडिया में number one ranked company होनी चाहिए. तभी मैं दादा बाबू के साथ उन एक्सेस कोड्स को यूज कर पाऊंगा. एक्चुअली सरप्राइज तो मैं भी हूँ. कहीं ये ओवरसीज अकाउंट का मैटर तो नहीं है? अरे दोनों मतारी और बेटा का खुशबुसिया रे कौन है माँ? नहीं नहीं मम्मी जी, नथिंग इम्पोर्टेंट. अच्छा नहीं बताइएगा, कोई बात नहीं. तुम और आप डीजे बाबू अगर कहीं फंस गए ना तो अंत में हमारे पास ही आना पड़ेगा. हाँ याद है ना गार्गी जी, जेल से तो हम ही छुड़वाएंगे ना आपको. अरे डीजे बाबू आज के फंक्शन के हीरो और हीरोइन ही तुम और कोई लिया है कि नहीं? तो वहाँ देखो देखो गेस्ट लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा, सेल्फी वेल्फी खिंचवाओ जाके वहाँ. गार्गी जी आपके बेटे को ना हम थोड़ी देर के लिए लेके जाते हैं साथ में, सेल्फी खिंचा के और वापस ला के दे देंगे, ठीक है ना? हाँ. अरे मुंह काहे लटका रही है? हाँ देखिए वहाँ बार है, दो चार निकाल लीजिए, फिर हम दोनों भी ना मस्ती वाली फोटो एक खिंचवा लेंगे ऐसी. वो क्या बोलती अभी पाउटवा नाराज है का? ठीक है बाद में कर लेंगे. हाँ कोई बात नहीं. अरे डीजे बबुआ सॉरी मैम, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी दादा बाबू यूएस जाने वाले हैं. आई मीन अभी तो वो आए थे. मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ इस ट्रिप के पीछे मोटिव क्या है उनका. ऑनेस्टली रोज मैं खुद इतना क्लूलेस हूँ ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दादा बाबू इतने अर्जेंटली यूएस जा क्यों रहे हैं, और उसके पीछे का जो रीजन उन्होंने बताया है वो सही भी है या नहीं. बट एनीवेज रोज उसके बारे में मिस्टर मुल्तानी से पता लगाती हूँ. फिलहाल यहाँ जो चल रहा है उस पर फोकस. करते हैं बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू गॉट इट रोज? यस मैम. मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज एवरीवन. मैं एक्चुअली हम दोनों आप सबको बस थैंक यू कहना चाहते थे कि हमारी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट दिन पे आप सब हमारे साथ हैं हमारी एंगेजमेंट के लिए. थैंक यू. सो प्लीज कम जॉइन अस फॉर द केक कटिंग सेरेमनी. जोड़ियां हेवन में बनती है ये तो सच बात है. लुक एट यू डीजे एंड कोयल, सच अ क्यूट कपल. Made for each other. Partner, फिर से समय हो गया है आपकी कला प्रदर्शन का. Come on. Sure. Why not? वैसे भी ये सब करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है. और क्यों मजा ना आए? मेरा बैंक अकाउंट भी तो मोटा होता जा रहा है. सिया. तो बेटी किसकी है? हाँ पूरी तरह से हमरी पड़ी है. एक कोयलिया आज ना तेरी नजर उतारे की पड़ी, पता नहीं किसका नजर लग जाए. हाँ पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तो लग रहा है कि कोयल बिल्कुल तुम्हें ही कॉपी कर रहे हैं. तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारा ही पोज. लेकिन आई मस्ट से उसमें कुछ बात तो है. देखो किस तरह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है, किस तरह अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही है. मैं ठीक कह रही हूँ ना गार्गी? नहीं इतना
इतना स्टाइल मार रही है, सोचती हूँ कोयल का थोड़ा मजा मैं भी ले ही लूं। नेकी और पूछ पूछ दीदी, अगर मजे लेने जाती हो तो जाओ, डू इट नाउ। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, मैं डीजे की बुआ हूँ, पहले मैं खाऊंगी। बुआ कोयल को खिला, अरे कोयल को खिलाते रहना, पहले मुझे खिला, पहले मुझे खिला। बुआ कोयल, मैं क्या कह रही हूँ ना, बुआ मेरी बात है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ये केक मैं ही खाऊंगा। अरे तेरी की, अब मेरे अगले वार की बारी है डीजे, और ये मेरा तोहफा होगा तुम्हारी एंगेजमेंट पर। How dare you? How dare you to slap me? हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये सब सहने वाली नहीं हूँ मैं, मिस्कार की महाजन। जैसे आप उसकी माँ है ना, मैं भी डीजे की होने वाली वाइफ हूँ। जितनी रिस्पेक्ट आप डिजर्व करती हैं, उतनी रिस्पेक्ट मैं भी डिजर्व करती हूँ। Don't do this to me again. Don't. क्या कर रही हो मॉम? प्लीज रिलैक्स। व्हाट? तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो अपनी मॉम को, वो भी इस लड़की की वजह से? मॉम, डीजे, ये थर्ड क्लास फटीचर जो एक गटर का निकला हुआ कचरा है, इसने थोड़ा नहा क्या लिया, मेरे जैसे कपड़े क्या पहन लिए, मेरी दी हुई रिंग क्या पहन ली, और ऊपर से ये क्लिप मुझसे छीन के पहन क्या लिया, उसे लगता है हमारी फैमिली की मेंबर बन जाएगी। रियली थर्ड क्लास टीचर हो तुम हमारी कंपनी की नौकर हो और तुम इसे बहू बनाने आए थे। खबरदार, खबरदार, अपनी लाइन क्रॉस करती जा रही हो बार बार मिसेज कार की महाजन। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। डीजे होने ये सही? डीजे बॉब कोई मूव मूव डीजे व्हाट 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 व्हाट। कोयल, प्लीज स्टॉप दिस, क्या कर क्या रहे हो? रियली डीजे, यहाँ जो कुछ भी हो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है, और तब भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ? Enough is enough. तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। अरे कोयलिया, अरे डीजे बब्बू, गार्गी जी, मुझे समधन जी, अरे कोयलिया, जय हो, जय हो, अरे जय हो, जाओ जाओ जाओ, तुम जैसे फटीचर्स की इस महाजन हाउस में किसी को जरूरत नहीं है। आउच, आउच, हाँ, see what she did. I'm really sorry, papa. मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं किसी को भी ऐसे हर्ट करूं, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अपनी फैमिली को जस्टिस दिलाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अरे कोयलिया, कोयलिया हमारा बात तो सुनो। अरे पिटिया रानी, बात तो सुनो, शांत हो जाओ, दिमाग शांत रखो। वो घर की महाजन, उसने मुझे तब भाई लंबा लंबा सांस ले, हाँ, दिला दिमाग को काबू में रख, हाँ, अरे जो उसमें हो उसको बैठी तो कैसे चलेगा, हाँ, अरे इस शादी का बंधन जो है ना, हमारे राजनीति गठबंधन और हमारे ऊपर जो ईडी का तलवार लटका है उससे बचने का एक ही रास्ता है। वो कर की महाजन ने मुझे थप्पड़ मारा है, डोंट यू रियलाइज इट? देख बिटिया, अब कभी पानी नाव तो कभी नाव पे पानी, हाँ, ये सब होता रहता है। अरे लेकिन अगर ये शादी नहीं हुई ना कोयलिया, तो हमारी नाव में जो छेद है ना, वो हम दोनों को नहीं डूबेगा, एकदम
पंचधार में इमेजिन लोग है ना हमारा आखिरी उम्मीद है बिटिया। हाँ देख तू 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 समझ रही है ना मैं कर लूंगी डीजे से शादी लेकिन ये बात वो गार्गी महाजन वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है। देखो अभी कभी ना वो गधा को भी बाप बोलना पड़ता है हाँ वैसे ही घमंडी गधी है ना गार्गी उसको तो अपनी सास बना ले उसके बाद उसका घमंड चूर करना हाँ घर में घुस के मारना है बिटिया ये लड़ाई जो है ना बाहर से नहीं लड़ी जा सकती तू समझ रही है बात को अरे समझ रही है ना बिटिया चल 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 बिटिया रानी गार्गी जी से ना माफी मांग मा, चल नहीं माफी चल मैं नहीं जाऊंगी मां चल के पड़ी नहीं आऊंगी मैं मां चल के पड़ी चल चल अंडी जी मम मैंने कोयल से बात क्यों नहीं की उसको रोका नहीं आई नीड टू टॉक टू हर रियली उस लड़की ने मेरी इतनी इंसल्ट करी तुम उसे रोकने जा रहे हो सीरियसली मॉम और जो आपने किया ये सब क्या था हैव यू लॉस्ट इट इन ऑल योर सेंसेस जो आपने सबके सामने किया ना वो इंसल्टिंग था और एम्बैरेसिंग था मेरे लिए तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो उस लड़की वो लड़की मेरी फियांसे है मॉम उस लड़की से मेरी शादी होने वाली है बस डीजे जो तमाशा हुआ ना सब लोगों के सामने ये अच्छा नहीं हुआ है हम सबको मिलकर ये झगड़ा सुलझाना चाहिए तो तुम दोनों शांत हो जाओ और गार्गी तुम एक शब्द नहीं बोलोगे हाँ We'll solve this amicably. You're right. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.